सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 20 अप्रैल है और दिन है बुधवार। जैसा कि रोज इस समय अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते होते हैं, आज दिन में कहीं बिजी था साथियों, इसलिए आज दिन की अपडेट्स डाल नहीं पाया। और मैंने कल शाम की वीडियो के अंदर बोला भी था कि इस सप्ताह के अंदर उठापटक रहेगी सरसों के अंदर, और वही देखने को मिला है। सरसों के अंदर जो है लगभग 100 से लेकर 150 रुपये तक की जो है मंदी साथियों देखने को मिली है। और ग्वार का फंडामेंटल थोड़ा और मजबूत हुआ है, बड़ी तेज़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी फंडामेंटल मजबूत हुआ है। बात करें गेहूं की तो अच्छी एक तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है, माहौल अच्छा है, लेकिन भाव के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है साथियों। ओम प्रकाश जी ने वीडियो को शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी जुड़े वो सारे वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं, फिर जो है अपनी विस्तृत रूप से चर्चा शुरू करेंगे। नरमे के अंदर बड़ी गिरावट, 300 रुपये 400 रुपये तक की, और विस्तार से चर्चा करेंगे। जौ के अंदर भी एक स्थिरता बनी है, कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी जौ के अंदर साथियों बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। बलविंदर सिंह संधू साहब, आपने वीडियो को शेयर किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी शेयर करेंगे उनका नाम भी मेंशन करूंगा जरूर। जितने भी साथी जुड़े हो सारे वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि जो है और साथी जुड़ जाएं, फिर जो अपनी चर्चा शुरू करेंगे साथियों। लगभग 100 लोग जुड़ चुके हैं तो चर्चा शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले तो आज आपसे माफ़ी चाहूँगा कि दिन में आपको कोई अपडेट आज नहीं दे पाया। यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर भी नहीं और यहाँ पेज के ऊपर भी नहीं, थोड़ा किसी काम में बिजी था। और दूसरी माफ़ी ये कि आज मंडियों के भाव जो हैं वो डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं बता पाऊंगा आज, क्योंकि मंडियों के भाव आज मुझे मिले नहीं हैं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं साथियों गेहूं की। बहुत से साथी गेहूं के बारे में पूछते हैं, काफ़ी साथियों के फ़ोन भी आते हैं और मैसेज भी आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं। देखिए, गेहूं के अंदर माहौल अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में काफ़ी अच्छी मांग है, भारतीय बाज़ारों के अंदर भी मांग है। और जो लोग सरसों को स्टॉक नहीं कर पाए, जो व्यापारी, जो बड़े व्यापारी हैं जिनको अपने स्टॉकिस्ट बोलते हैं, जो सरसों को स्टॉक नहीं कर पाए, उनका मन ये है कि गेहूं को स्टॉक किया जाए। गेहूं के अंदर उनको तेज़ी दिखाई देती है, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी इस महीने के अंदर लग नहीं रही साथियों। समय लग सकता है, तेज़ी बन रही है, इस बात में कोई दोराई नहीं है, बन रही है तेज़ी, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी अभी गेहूं के अंदर बनती हुई नहीं नज़र आ रही है। इक्का दुक्का मंडियों के अंदर जैसे गेहूं तेज बिका है और कोई खास ढेरी जैसे 2851 वैरायटी होगी, 1482 वैरायटी होगी, इन वैरायटियों के भावों के अंदर तेज़ी साथियों देखने को मिल रही है। लेकिन असल के अंदर पूरा जो इसका फंडामेंटल है जितना मजबूत होना चाहिए अभी उतना मजबूत नज़र नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी तेज़ी गेहूं के अंदर दिखाई, अभी जल्दी दिखाई नहीं दे रही, हो सकता है आने वाले समय में कुछ भाव बढ़ जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई साथियों नहीं दे रही है। बात करें साथियों जौ की, जौ के अंदर भी आज कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं थी, एक स्थिर सा माहौल बनता हुआ नज़र आया जौ के अंदर। आपको का कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन जौ के अंदर भी एक जो गोल आपको बताया था कि 2500 से लेके 2800 रुपये तक का जो एक गोल था, वही गोल जो है मेंटेन हो रहा है, उसी के दायरे के अंदर जो है भाव अभी घूम रहे हैं और उससे तेज़ी अभी जौ के अंदर दिखाई नहीं दे रही है साथियों। ग्वार की बात करें, तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है, फंडामेंटल मजबूत है, ग्वार सीड्स में तेज़ी है, डिब्बे में तेज़ी है, ग्वार गम के अंदर तेज़ी है, लेकिन पता नहीं कब ग्वार के अंदर भाव बनेंगे। हालांकि धीरे धीरे 20-30 रुपए करके सुधार तो हुआ है, पिछले एक महीने की बात करें तो लगभग 400-500 का सुधार हुआ है, लेकिन जो सुधार किसान भाई चाह रहे हैं वो सुधार अभी नहीं हुआ। लगभग सबका गोल जो है 7000 रुपए का है कि ग्वार 7000 रुपए कब होगा, तो वो लगता है कि इस महीने के अंदर आपको कोई 6500 के और 7000 के बीच में कोई एक आपको दिखे। हालांकि कल 6520 रुपए बिका था जोधपुर के अंदर ग्वार, आज भी तेजी थी ग्वार के अंदर, लेकिन हाजिर मंडियों के अंदर बिकाई वाल बहुत है, बेचने वाले बहुत हैं, लेने वालों से ज़्यादा बेचने वाले जो है ज़्यादा हैं, तो वही लग रहा है कि ग्वार के अंदर तेज़ी तो बनेगी लेकिन थोड़ा सा आगे चल के जो है समय लग सकता है, और समय लग सकता है ग्वार के अंदर।
बात करें साथियों नरमे की, तो नरमे के अंदर आज पोजीशन ख़राब थी। नरमे के ऊपर अब वो असर दिखने लगा है, जो 11% इंपोर्ट ड्यूटी जो घटी है उसका असर दिखने लगा है, और लगता है कि नरमे के अंदर अब एकदम से कोई बड़ी तेज़ी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। हालांकि अच्छे भाव थे, आज से 4 दिन पहले मैंने सभी नरमे के साथियों से निवेदन किया था कि आप लोग सोच लें एक बार, व्यापार अपने विवेक से करें, लेकिन नरमे के भावों के अंदर ठीक तेजी बनती हुई नज़र आ रही है। और ब्रेक का भी बोला था, वो ब्रेक आ जाया है, लगभग 300 रुपये आप मान के चलिए नरमे के जो भाव हैं वो डाउन थे, और 300 से भी ऊपर कहूँ तो 400 रुपये भी कुछ मंडियों में आज जो है प्रति क्विंटल, जो राजस्थान की और हरियाणा की और पंजाब की मंडियाँ हैं इनके अंदर डाउन थे। गुजरात भी डाउन था, कर्नाटका में थोड़े से भाव ठीक थे, स्थिर थे, इधर महाराष्ट्र की तरफ भी थोड़े स्थिर थे, लेकिन ओवरऑल तेजी कहीं भी नहीं थी गेहूं के अंदर, नरमे के अंदर। और नरमा बहुत लोगों के पास नहीं है, इस बात में भी कोई भी शक साथियों नहीं है। बात करते हैं साथियों सरसों की। देखिए शनिवार को एक इंडिकेशन दिया था और सोमवार को भी वीडियो के अंदर बोला था कि पिछला से जो पिछला सप्ताह था उसमें सरसों डाउन थी, पिछला जो सप्ताह था उसमें लगभग 250 रुपये की तेजी बनी थी, और सोमवार को बोला था कि इस सप्ताह के अंदर उठा पटक रहेगी, कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा डाउन जा सकता है, उसी का एक पार्ट था आज। आपके लगभग स्थिर है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं आपकों का, लेकिन आज तेल के अगर रेट की बात करें तो 2.25 रुपये सस्ता हुआ है सरसों का तेल, पूरे जो विश्व के अंदर भी कहें और भारत की मंडियों के अंदर भी लगभग 1.5 रुपये आज जो है तेल सस्ता हुआ है। असर साफ दिखाई दिया बाजारों के अंदर, 100 रुपये से लेके 120-125 रुपये तक सरसों के जो बाजार थे वो साथियों डाउन गए। एक निवेदन आपसे, एक एक शेयर का बटन जरूर दबा दें साथियों, आज थोड़े कम साथी जुड़े हैं, और साथी जुड़ जाएंगे और साथियों तक वीडियो पहुंच जाएगी तो और भी ठीक रहेगा। और एक अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, दिन में अपने फसलों के भाव की अपडेट वहीं करते हैं, वहाँ भी आप सब जरूर जुड़ें और इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाएं साथियों। तो सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर कोई बड़ी एकदम से गिरावट तो नजर नहीं आ रही है साथियों, लेकिन ये 100-200 रुपये का मैंने शनिवार को भी मेंशन किया था और सोमवार को भी मेंशन किया था कि थोड़ा सा हो सकता है एक आपको जो है डाउन नज़र आए, और वही जो है डाउन आज नज़र आया है साथियों। 100-125 रुपये की मंदी हो, कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं है, चलते बाजार के अंदर जब कोई चीज़ 100 रुपये बढ़ती है तो हमें लगता है कि थोड़ी बड़ी है, क्योंकि हम लोग किसान लोग हैं, जब 100 रुपये टूटती है तो हमें लगता है यार बहुत बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि सलोनी जो है, सलोनी का जो स्टेशन है वो मेंटेन नहीं कर रहा है अपने भावों को, वो अपग्रेड नहीं कर रहा है, मेंटेन थे वो, स्थिर थे एक भाव, तो उसका असर दिखना ही था, वही हुआ। सलोनी ने 2 दिन तक कोई भावों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, आज जब सुबह खुला तब भी ठीक खुला, लेकिन फिर उसने 100 रुपये जो है डाउन कर दिए। तो एक तो वो चीज़ होगी, दूसरा भरतपुर के भाव देख लें तो वो भी 5850 के लगभग हैं, और भरतपुर के जो भाव हैं वो मैटर करते हैं। सलोनी और भरतपुर का अगर मान लीजिए 1000 रुपये का बटा रहता है तो फिर अपने इसको बोल सकते हैं इट शुड बी मेंटेन, कि ये मेंटेन भाव हैं, ये एक लय में है, लेकिन जब इससे ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो फिर एक जो है एक सोचना पड़ता है कि भावों के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और एक दो दिन जो आने वाले हैं, अब काफ़ी साथी पूछ रहे हैं, आने वाले जो एक दो दिन आने वाले हैं अप एंड डाउन रह सकता है, ये सप्ताह जो है ये अप एंड डाउन का है, अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आज 100 रुपये डाउन गया, कल 50 और डाउन जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परसों 100 तेज हो जाएगा, उससे अगले दिन 50 तेज हो जाएगा, फिर 50 और तेज हो जाएगा, तो वो कहानी है। ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह के रविवार को, हर रविवार को अपने शाम को जो है एक वीडियो बनाते होते हैं आंकड़ों के ऊपर, उसमें पूरे सप्ताह का विश्लेषण करते हैं कि आगे क्या रह सकता है। तो उसमें मैंने उस दिन यही बोला था कि अगला जो सप्ताह आएगा वो अप एंड डाउन का आएगा, ज़्यादा घबराहट वाली बात नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए आज जैसे भाव डाउन गए हैं तो कल क्या पता हो सकता है थोड़ा सा आवकें कम हो जाएं, तो फिर जो है एक पर प्रेशर रिलीफ हो जाएगा और थोड़ी सी तेज़ी आगे बढ़ सकती है। कोई बहुत बड़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, और धीरे धीरे जो है भाव बढ़ते हुए आपको नज़र आ सकते हैं सरसों के अंदर। बड़ी गिरावट नहीं है, ज़्यादा कोई घबराहट वाली बात नहीं है। कोई आपको ये बोलते कि सरसों 500-600 डाउन हो जाएगी, सरसों जो 5500 बिकेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाहें होती हैं। और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वीडियो को आगे जरूर बताना, आपको एक बात बताता हूँ, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जैसे पार्टी के लोगों की होती है, हर एक पार्टी के लोगों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती है, वो अपना अपना ज्ञान पेलते हैं।
अभी ये सुनने में आया 2-3 दिन पहले मेरे कि व्यापारियों की एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसके थ्रू वो एक मैसेज स्प्रेड आउट करते हैं, एक मैसेज वायरल करते हैं, उसमें वो ये लिखते हैं कि बड़ा सारा एक लेख लिख देते हैं, लिखने को तो लोग बहुत वेले बैठे मेरे जैसे गणा कुछ ज्ञान पेल देते हैं, तो उसके अंदर वो ये लिखते हैं कि इस सप्ताह ये होगा, इस सप्ताह ये होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये हो गया, डाउन हो गया, सरसों जो है आगे जाके डाउन हो सकती है, तेल का रेट इतना कम हो गया, पाम ऑयल का तेल इतना कम हो गया, सोयाबीन का मूंगफली के तेल के अंदर गिरावटें हैं तो उसको देखते हो, सरसों में गिरावट, तो बड़ा एक मैसेज लिखते हैं, फिर उसको अपने ग्रुप में डाल के सभी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे ओके करवा के उसके बाद वो लोग जो है उसको वायरल करते हैं, वो वायरल होते होते सभी किसानों तक पहुंचता है, फिर किसान थोड़ा सा भय में आता है और भय में आने के बाद क्या होता है, फिर किसान अपनी फसल जो है निकालता है। ऐसे मैसेजों से, ऐसे जो संदेश हैं इनसे सावधान रहें। और एक जो यूट्यूब के ऊपर जो बड़ी बड़ी हेडिंग्स लगा के सरसों होगी इस बार 12,000 पार 13,000 पार, वो थोड़ा सा व्यू लेने के चक्कर में होते हैं, उनको सिर्फ कमाई से मतलब, उनको कोई और ज़्यादा मतलब नहीं होता, इनसे भी थोड़ा सा आप सावधान रहें। सौदा अपने विवेक से करें, लेकिन सरसों के अंदर बहुत बड़ी कोई तेजी मंदी दिखाई नहीं दे रही है इस सप्ताह के अंदर। बहुत सारे साथी अरंडी के बारे में, जीरे के बारे में, मेथी के बारे में पूछ रहे हैं, मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा साथियों, इन फसलों की जानकारी मुझे नहीं है, जिस दिन मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको पक्का उसके ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा साथियों। तो साथियों मिलेंगे कल लगभग 11 बजे के बाद YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर, दिन के भाव कल के कैसे हैं उनके ऊपर अपडेट आपको दे देंगे, और कल शाम को 8:30 बजे यहाँ लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।